नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को दिनांक 30 सितंबर 2023 को जनपद हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर पर एक युवती ने खुद के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना दी थी। उक्त सूचना पर थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका खुलासा गढ़ मुक्तेश्वर थाना पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को किया गया है। कार्य नियम की खास रिपोर्ट। दिनांक 30/9/2023 की रात्रि को गढ़ मुक्तेश्वर थाना पर एक युवती द्वारा सूचना दी गई कि उसका सोशल मीडिया का एक दोस्त था जिससे उसकी एक साल से बातचीत होती थी। उसने उसे मिलने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर बुलाया और गढ़ मुक्तेश्वर में उसने और उसके एक अज्ञात साथी ने जबरदस्ती उस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया और युवती का मेडिकल कराया गया और घटना में प्रयुक्त कार और मोबाइल नंबर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम अनूप और दीपेश है। दोनों ही पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया है और इस मामले में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई।